आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता बहुत सिंपल तरीके से। हम बैंगन को दो भागों में काट कर पानी में इसे 10-15 मिनट रखेंगे। मैं बैंगन को भूंज कर बनाऊँगी, चाहे तो आप चूल्हे में भी भून सकते हैं, पर मैं यहाँ पे गैस पर भूंजूँगी। अब हम बैंगन को भूंजेंगे गैस पर। इसको ध्यान से पलटा पलटा कर भूंजना है। अब हमारा बैंगन भुंजा गया है, अब इसे ठंडा होने के लिए साइड करेंगे। भरता बनाने के लिए मैं यहाँ पर दो प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, कड़ी पत्ता, धनिया, 7-8 टमाटर, टमाटर मैं ज़्यादा ही डालती हूँ, इससे टेस्ट अच्छा ही आता है। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल गरम होते ही मैं इसमें लहसुन डालूँगी, कड़ी पत्ता, 1 चम्मच जीरा और मिर्च प्याज डालकर इसे ब्राउन होने तक भूनूंगी। प्याज लाल हो गया है, अब इसमें मैं मेथी पत्ती डालूंगी, अगर आपको पसंद नहीं है तो अब ना डालिए। अब इसमें हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। अब इसमें मैं बारीक कटे हुए टमाटर डालूंगी और इसे ढककर पकाऊंगी। हमें टमाटर को अच्छी तरह से पकाना है, वरना ये खट्टा लगेगा। यहाँ पर मैं बैंगन के छिलके निकाल कर रखे हैं, अब इसे मैं टमाटर पकने के बाद वो डालूँगी। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मैगी मसाला डाला है, आप अपनी पसंद से कोई भी मसाला डाल सकते हैं। अब हमारा बैंगन का भरता तैयार है, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान है।